दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी वृद्धि संबंधित कोई भी जानकारी होती है रियल ऑथेंटिक आप सभी को ऑनलाइन डॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है UPPCS को लेकर। आप में से कितने अभ्यर्थियों ने कल की तारीख में PCS परीक्षा के लिए आवेदन किया था और परीक्षा दी थी, कमेंट करके बताएं। साथ में आपका स्कोर कितना देखने के लिए मिला, उसके बारे में भी जानकारी अवश्य दें। हम अगर बात करें PCS प्री के बारे में कि टोटल यहाँ पे कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया, साथ ही साथ कितने छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा देखने के लिए मिलता है जब भी किसी भर्ती को लेकर कट ऑफ बनाई जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देखने के लिए मिलता है कितने पद यहाँ पे देखने के लिए मिले। अगर बात की जाए PCS को लेकर, कल की तारीख में 51 जिलों पर 2 पालियों में परीक्षा देखने के लिए मिली। प्रदेश के 2241 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। लगभग अगर बात की जाए उपस्थिति के बारे में तो इससे ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन काफ़ी कम देखने के लिए मिली। 341,392 अभ्यर्थी परीक्षा के अंदर बैठे और लगभग अगर बात की जाए 40% लोगों ने यहाँ से परीक्षा को छोड़ दिया। टोटल 2.5 लाख के आसपास यहाँ पे अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुँचे। लिखा हुआ है अगर बात की जाए PCS के अंदर 60.37% अभ्यर्थियों ने यहाँ से अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ दिया है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि यूपी विशेष से जो प्रश्न है वो कम पूछे गए, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में थोड़ी नाराजगी भी देखने के लिए मिली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार PCS की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय को ख़त्म करके यूपी विषय के 2 प्रश्न पत्र को यहाँ पे कहने की ऐड कर दिया गया था, इसलिए अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि PCS प्री में भी यूपी विशेष के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी विशेष की अगर बात की जाए प्रश्न कम आए। इस बार सबसे अधिक अगर बात की जाए पर्यावरण परिस्थिति की जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिले, अंतर्राष्ट्रीय मामले को लेकर प्रश्न देखने के लिए मिले और कुछ प्रश्न केंद्रीय बजट पर भी आधारित देखने के लिए मिले। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कथन कारण और इसके अलावा प्रश्न वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिले। और कुल मिलाकर इस भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया था उनकी संख्या 5,65,459 के समथिंग थी, लेकिन जो परीक्षा देने पहुँचे वो यहाँ पर लगभग 3,41,000 अभ्यर्थी परीक्षा में यहाँ पर सम्मिलित हुए। अब ये तो बात हो जाती है परीक्षा को लेकर, लेकिन हम अगर बात करें आपकी मेरिट के बारे में, कट ऑफ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरिट और कट ऑफ को लेकर जब सवाल आता है तो यहाँ पे जानकारी आपकी कट ऑफ और मेरिट के बारे में दी गई है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर जब भी कट ऑफ बताई जाती है तो उसके लिए कुछ यहाँ पे विश्लेषण किए जाते हैं, जैसे कि पदों की संख्या, कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, पेपर का पैटर्न कैसा था, और उसके बाद में यहाँ से सारी की सारी चीज़ों को एक साथ रखकर सभी चीज़ों को विश्लेषण करने के बाद में कट ऑफ तैयार की जाती है। और मैं भी इसके बारे में कट ऑफ तैयार करूँगा और आप सभी को जानकारी दूँगा, लेकिन जो समाचार पत्रों में जानकारी दी गई पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए भूगोल पर्यावरण के सवालों से तय होगी मेरिट, यहाँ पे कहना है कि जो भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चंस हैं उन्हीं से आपकी जो मेरिट है वो तय होगी, क्योंकि इनके क्वेश्चंस ज़्यादा देखने के लिए मिले थे। PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में दोनों विषयों में पूछे गए सर्वाधिक अगर बात की जाए 40 सवाल देखने के लिए मिले और कम है यूपी से जुड़े सवालों की संख्या। सवालों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई, बताने की आवश्यकता तो है नहीं है, लेकिन जो काम की बात है वो आप सभी के सामने नीचे देखने के लिए मिलेगी कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को राहत मिली। PCS 2023 के दूसरे प्रश्न पत्र सी सेट ने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को राहत दी। यह पेपर क्वालिफाइंग होता है जिसमें 100 में से 33 प्रश्नों में से सही उत्तर देना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अगर बात की विशेषज्ञ KP द्विवेदी ने बताया कि सी सेट में इस बार सामान्य हिंदी के 25 और सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी उनके लिए फ़ायदेमंद ये हुआ कि 25 क्वेश्चन तो उनके सामान्य हिंदी से थे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला, बाकी कुछ क्वेश्चंस की और मदद लेकर सी सेट को वो क्वालिफाई कर सकते हैं। हम अगर बात करें इस बार की कट ऑफ के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे सबसे आते हैं, यहाँ पे अगर बात की जाए उनका कहना है कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि कट ऑफ 120 अंकों के आसपास जा सकता है। अगर किसी ने
सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 150 में से 100 या 110 सवाल सही किए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 और 40 सवाल उन्होंने गलत कर दिए हैं, तो नेगेटिव मार्किंग के बाद में उसके चयन की संभावना ज़्यादा है। अब यहाँ पे उनके माध्यम से कहा गया है कि मान लीजिए कि 150 में से 100 या 110 यहाँ से कहीं ना कहीं उनके सवाल जो हैं वो सही बन रहे हैं, और उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग को और काट लिया जाए तो लगभग आप सभी के सामने 80-85 या 90 के आसपास बनता है, और उसके आधार पर आप सभी के यहाँ से जो चयन है वो हो सकते हैं। हालांकि समाचार पत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ बैठे होते हैं, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं आप सभी को बता सकता हूँ। फिलहाल उनके माध्यम से कहना ये है कि 100 अगर 150 में से आपने 100 या 110 के आसपास क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग को काट कर आपके जितने नंबर बन रहे हैं तो यहाँ पे आपका चयन हो सकता है। बाकी आपने 150 में से कितने किए वो आप कमेंट करके बताएं, फिर उसके बाद में कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर TET को लेकर। अब उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षाओं को लेकर तैयारियां होनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए सुपर TET को लेकर तो उसके लिए अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए छात्रों के माध्यम से इको गार्ड में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी मुझसे कहते हैं कि सर लगातार हमारे मुद्दे के बारे में जानकारी दिया करें, जिससे कि जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं कम से कम 18 मई को जाकर पहुंच सकें, क्योंकि 18 मई को अगर अभ्यर्थी नहीं जाते हैं तो शायद ही आंदोलन फिर बंद होने की कगार पर आ जाएगा, और ऐसा ना हो तो आप सभी को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए लगातार अभ्यर्थी इको गार्डन में बैठे हुए हैं। 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, धीरे धीरे 60 दिन होने वाले हैं, और 18 मई यहाँ पे कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन का एक निर्णायक दिन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं बड़ी से बड़ी संख्या में चाहते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको जल्द देखने के लिए मिले, तो जल्द से जल्द इको गार्डन में अवश्य पहुँचें। बात कर लेते हैं यूपी TET PGT इसके साथ ही प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरण के लिए 1 जुलाई 2021 में जारी विज्ञापन आवेदन करने वाले शिक्षक व प्रधानाचार्यों के अब स्थानांतरण की उम्मीद जगी है। स्थानांतरण पर लगी रोक हटाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से 3 महीने में स्थानांतरण करने का आदेश दे दिया है। अगर बात की जाए शिक्षकों की मांग के बारे में, शिक्षा निदेशक के आदेश का अनुपालन करते हुए 3 महीने के भीतर स्थानांतरण सूची जारी करें। असल में मामला ये था कि उत्तर प्रदेश की TET PGT, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए प्रधानाचार्यों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। 3 श्रेणियों में करीब 800 आवेदन मिले थे, निदेशालय को प्राप्त हुए थे, और परीक्षण के बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट की तरफ से यहाँ से कहीं ना कहीं इस मामले पर स्टे लगा दिया गया। अब स्टे लग जाने की वजह से यहाँ पर TET PGT और प्रधानाचार्यों की प्रमोशन नहीं हो पाए थे, लेकिन अब कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर यहाँ पे इस प्रोसेस को ख़त्म किया जाए और UP TET PGT प्रधानाचार्यों के जो स्थानांतरण है वो कर लिए जाएँ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।